जिशन भाई, आप फ्लावर ऑन ग्रूमिंग के बारे में थोड़ा कुछ बता पाएंगे? फ्लावर ऑन ग्रूमिंग, हर फ्लावर ऑन की पर्सनैलिटी अलग होती है। ओके, तो हर फिश के ऊपर अलग अलग टेक्निक काम करती है। हाँ। तो वो आपको फिगर आउट करना है कि आपकी फिश की पर्सनैलिटी और उसका टेम्परामेंट कैसा है। ओके, और उस पर क्या, कौन सी टेक्निक काम करती है, उसमें टेक्निक बहुत सारी है। अलग अलग वाटर चेंज रूटीन है, अलग अलग फीडिंग रूटीन है, अलग अलग डाइट है, फिर उनको एक्सरसाइज करवाना पड़ता है हम लोगों को। okay. उनको एग्रेसिव करना पड़ता है, तो वो बहुत सारे, मतलब बहुत वास्ट टॉपिक है वो। okay. तो डाइट के बारे में कुछ थोड़ा बता पाएंगे हमें? अभी फॉर मी, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक डाइट में ही बिलीव करता हूँ फ्लावर ऑन के लिए। अगर आप उसका हेड और बॉडी ग्रूम करना है तो तो मेरा जो फिश के लिए जो सबसे फेवरेट फूड जो मैं यूज करने के लिए रिकमेंड करता हूँ वो ब्लडवर्म्स है, वेदर इट इज फ्रोजन और लाइव। ड्राई ब्लडवर्म इज अ नो नो। तो ब्लडवर्म्स है पहली प्रायोरिटी। ब्लडवर्म्स के अलावा ब्राइन श्रिम्स यूज कर सकते हो, जैसा आर्टिमिया। और फिर उसके बाद अगर ये दोनों नहीं हो पा रहे सो द लास्ट ऑप्शन इज फिश फिलेट्स। हाँ, जो मार्केट में जो एडिबल फिश होती है उनका जो मीट होता है, वो मीट के स्लाइसेस आप लेकर क्लीन करके फ्रीजर में रख दो और वो उसको थोड़ा थोड़ा दो। सो दीज थ्री फूड्स आर द बेस्ट। मतलब अगर आपको आपकी फिश का हेड और बॉडी दोनों ग्रूम करना है, प्रोवाइडेड उसमें वो फिश का जेनेटिक्स वैसा हो। बिल्कुल। तो अगर मैं टिलापिया फिश को लाकर उसको दुनिया भर का सबसे बेस्ट और महंगा खाना खिलाऊं तो उसका हेड नहीं आएगा। तो इसी वजह से जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिश की। अगर जीन्स और जो सेलर है, सेलर पे ट्रस्ट आपको होना चाहिए। अगर आप जीन्स तो आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हो। सो द सेलर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप फॉर अज्यूम करते हैं कि आपको अगर अच्छे जीन्स वाली फिश मिल गई तो उसका हेड और बॉडी ग्रूम करने के लिए आपको हाई प्रोटीन एंड हाई फैट वाली डाइट देना पड़ेगा उसको। सो दैट इज फिश फिलेट्स एंड ब्लडवर्म्स और फिर आर्टिमिया जो ब्राइन श्रिम्स हम लोग बोलते हैं। जिशन भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, फिश फिले में आप मतलब क्या रिकमेंड करेंगे, कौन से फिश? अभी आउट ऑफ इंडिया तो सालमन यूज होता है। सालमन, ओके। हाँ, और इंडिया में मैं एक फिश का नाम है रावस। रावस, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन सालमन। तो मैं तो अपने कस्टमर्स को वही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर उसके अलावा कोई दूसरी भी फिश आपको मिल रही है तो नो प्रॉब्लम, बस सी टू इट दैट यू क्लीन इट। उसमें से उसके जो कांटे हैं वो निकाल दो। ओके, उसको क्लीन करके फ्रीजर में रखो क्लीन करके और वो उसको थोड़ा थोड़ा दो। जीशन, मैं आगे बात पूछनी थी कि जो मार्केट में जो पैलेट्स अवेलेबल रहते हैं फ्लावर ऑन के लिए, तो वो आप फीड करते हैं आपके फ्लावर्स को? मैं फीड करता हूँ वो पैलेट्स। ओके, जस्ट क्योंकि वो इकोनॉमिक हो जाता है मेरे लिए। बिल्कुल, आई कांट अफोर्ड टू गिव फिश पैलेट्स एंड ब्लडवर्म्स टू हंड्रेड्स ऑफ फिशेस एट माय वेयरहाउस। अगर मैं ये करने लगूंगा तो मेरे फिशेस का मुझे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, एंड पीपल कांट अफोर्ड द प्राइस, वोंट बी एबल टू अफोर्ड द प्राइस। So तो मैं दिन में दो बार मैं पैलेट्स देता हूँ। ओके, एनी पैलेट विच इज अवेलेबल दैट डजंट पल्यूट माई टैंक। ओके, और एक से दो टाइम ब्लडवर्म्स देता हूँ मैं उनको, फ्रोजन ब्लडवर्म और लाइव ब्लडवर्म। सो आई सी टू इट दैट ऑल ऑफ माई फिशेज दे गेट ब्लडवर्म्स एटलीस्ट वंस अ डे। ओके, तो विशन भाई, मुझे पूछना था कि ये फ्लावर एक मैनमेड फिश है, तो मैंने सुना है कि इसको ब्लडवर्म्स का कुछ डाइजेस्ट नहीं, ये पता नहीं मार्केट में ये बात कैसे फैली हुई है। मैं, मेरा एक चैंपियन फिश था, उसका नाम मैंने रखा था 9.9 एम्परर। ओके, सो इंडिया में जितने भी प्राइज जीता है अक्सर प्राइजेस उसने ही जीता है कंपटीशन में। और इट वाज, आई बॉट इट फॉर 2000 USD और उसका साइज सिर्फ 1.5 इंचेस था। ओके ओके, इतना सा था। मैंने 2016 में 1,35,000 का उसको खरीदा था। और उसकी प्राइमरी डाइट फॉर 5 times a day ब्लडवर्म्स होती थी। ओके, लाइव ब्लडवर्म्स, मैं मार्केट से लाइव ब्लडवर्म्स लेकर आता था और उसका पेट पूरा ब्लोट हो जाना चाहिए उतना मैं उसको फीड करता था। ओके, सो दैट मेड हिम अ चैंपियन आई बिलीव। सो इट्स अ मिथ कि ब्लडवर्म्स शुडंट बी फेड टू वो। हाँ, अक्सर तो मिथ ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने ये बात फैलाई है उनको बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि वो ब्लडवर्म वेल क्लींस्ड नहीं होगा। Okay. मैं कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसीजर तो अपने ब्लडवर्म्स को क्लीन करने के लिए नहीं यूज करता हूँ। ऑल आई डू इज गेट अ फाइन नेट और ब्लडवर्म को उसमें डालकर नॉर्मल टैप रनिंग वाटर से उसको रिंस कर देता हूँ मैं। तो वो रिंसिंग से ब्लडवर्म्स क्लीन हो जाते हैं एंड आई फीड माय फिशेस डायरेक्टली। जिशन भाई, मार्केट में कई ब्रांड्स के पैलेट्स मिलते हैं,
तो मोस्टली जो हॉबिस्ट है वो घर पे फ्लावर्स को पैलेट से फीड करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बता पाएंगे? पैलेट्स का ऐसा होता है कि वो एक कन्वीनियंट डाइट होती है आपकी फिश के लिए। ओके। आपको उसमें गंदगी नहीं होती है, एक डब्बे में पैक होता है, आपको सिर्फ उसको उठा के फिश को डाल देना है, वो इजीली खा लेती है। ओके। पैलेट कोई नुकसान नहीं है आपकी फिश के लिए, लेकिन वो एक कोई मिरेकल फूड भी नहीं है। ओके। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको फिश का कलर डेवलप करना है तो आपको पैलेट देना ही है, क्योंकि कलर एनहेंसर आपको सिर्फ पैलेट में मिलेगा, नेचुरल डाइट में नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को भी यही बोलता हूँ, अगर आपको कलर एनहेंस करना है और पर्ल एनहेंस कर रहे हैं तो आप पैलेट दो। okay. वो भी स्पेशलाइज्ड पैलेट जिससे कलर और पर्ल एनहेंस होते हैं। और बॉडी बिल्डिंग करनी है फिश की, बॉडी और हेड बढ़ाना है, तो आप फ्रेश फूड या ऑर्गेनिक फूड दो, जैसा ब्लड वर्म्स, फिश फिलेट्स, ब्राइन क्रिम्स। तो जो मार्केट में मिलता है वो भी, मतलब उनमें कोई नुकसान नहीं है, आप वो भी दे सकते हो। अभी पैलेट, अभी फ्लावर वर्म्स का कैसा होता है, अप टू 6-7 inches उसकी बॉडी डेवलपिंग स्टेज में होती है। तो 6-7 inches तक हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ फ्रेश फूड दो, जिससे उसका बॉडी स्ट्रक्चर थिक और स्ट्रॉन्ग हो, ब्रॉड हो। और 6-7 inch क्रॉस कर दिया तो फिर उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते उसका। तो उसके बाद आप पैलेट भी दोगे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। मतलब उतना वो स्टेज साइज में ही ग्रूम कर सकते हैं। हाँ हाँ। ओके ओके। मैं खुद पर्सनली अपने फिशेज को दिन में 2 times पैलेट देता हूँ, 2 times ब्लड वर्म। ओके। वो पैलेट तो खैर इसलिए देता हूँ क्योंकि वो अफोर्डेबल है। बिल्कुल। लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप जब पैलेट चूज करते हो मार्केट में, तो वो रेप्यूटेबल है या नहीं। okay. या ऐसी कोई भी लोकल लो क्वालिटी है, वो भी देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पैलेट्स में अगर आप पीछे कंटेंट देखोगे तो उसमें फिलर्स और प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं। तो फिलर्स और प्रिजर्वेटिव आपके फिश को कुछ न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं पहुँचाएगा। बिल्कुल। तो फिर वो यूजलेस हुआ ना।